ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਾ ਹੋ ਪਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਨੇ। ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ बैरीकेडिंग तोड़ दी गई है अकाली दल के वर्करां दे वल्लों और बैरीकेड तोड़ते हुए अगे वध रहे ने। बादल अगवाई कर रहे ने इस मार्च की अकाली दल के वर्कर अगे निकल गए ने। कांग्रेस की सरकार यूटी की बीजेपी सरकार किवें रल मिल के पंजाब की कांग्रेस सरकार नाल लोगों की आवाज कुचलन की कोशिश कर रहे हैं। हकी मंगा नूं लैके लोगों को लाए हालात तुसीं देखो पग्गां ला रहे हैं बेअदबी कर रहे किसान की जड़े जड़े पिछलियां तस्वीर अकाली दल के वर्कर खटा दिता गया है लाठी चार्ज जा अकाली दल के वर्कर जेडे सीएम रैज के बाहर घराव कर आए थे उन्होंने नाल लाठी चार्ज किया गया इस समय लाठी चार्ज दिया तस्वीर सांझिया कर रहे हैं। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰ ਤਮਾਮ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀਐਮ ਰੈਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸਮਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ 2000 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ 50000 ਠੇਕਾ 15000 ਖਰਚਾ 65000 ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਈ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਡੀਏਪੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੈਟ ਪੈਟਰੋਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ। नरमे की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई लखां पिंड ते पिंड बर्बाद हो गए। मैं पिंडां च गया किसान भरावां नूं मिलिया बेचारियां दे चेहरे ते उदासी सी उन्हां कोले पैसा है नहीं सी ठेका देण वास्ते अगली फसल वेचण वास्ते। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल मुख्यमंत्री सी एकदम मुआवजा भेज दे ते नाल दे नाल किसानां दी मुश्किलां हल कर दे। आ जिहड़ा हुण मुख्यमंत्री बनिया ड्रामे जिन्नी मर्जी करा लो कल्ला अखबारां चोणा चाहुंदा कि मेरी फोटो आए पर मसले हल करना उहदा निशाना नहीं। तुसीं जानदे हो किवें 1.5 महीने पहले क्या मुआवजा नरमे दा दित्ता जाऊगा। 1 रुपया नहीं किसान कोले पहुंचिया 1 रुपया खेत मजदूर कोले नहीं पहुंचिया ते उहदे बाद होर नुकसान होया गड़े पै गए झोना तबाह हो गया बासमती चौल तबाह हो गया। उथे तां कोई मंत्री भी नहीं गया डीसी भी नहीं गया। आ तां सरकार है ए जी निकम्मी सरकार जिहड़ी रोज ही अपनियां लड़ाइयां तों वेल नहीं जिहनूं बच्चियां वांगू
लड़ी जाते है कि मैं इनू डीजी ला दियो एजी ला दियो। अज समा एजी ते डीजी की लड़ाई का नहीं, समय गरीब किसान की बाह फड़ना। बेचारे ने अगली फसल बेचनी है, बीजनी है, कणक लाउण बीजनी है, उहदे कोले साधन है नहीं। अज मैं हुणी मैनू दस रहे सी जिहड़े भी पिंड जाओ, जिहड़े भी जिले जाओ, जिहड़ा डीएपी है यूरिया ब्लैक च मिल रहा है उहदा इंतजाम भी कांग्रेस ने नहीं किया। अज डीजल दीआं कीमतां, पेट्रोल दीआं कीमतां सेंटर दी सरकार ने 10-10 रुपये घटा दी, दूजे सूबे दी सरकारां ने भी घटाता, पर कांग्रेस दी आ सरकार चुप बैठी है। थोड़े दिन पहले तो कहिंदे खजाना भरिया, ते खजाना जनता वास्ते है, क्यों नहीं घटा रहे? आ सवाल पूछना चाहना है मुख्यमंत्री जी, 30 रुपये थोड़े खजाने चो 1 लीटर मगर पेट्रोल दे डीजल दे 30 रुपये थोड़े खजाने पंजाब के खजाने चो आउंदा है कि तुसी 10 रुपये नहीं घटा सकते? दूजे मुख्यमंत्रियों ने घटाता, तुसी क्यों चुप बैठे हो? पर मैं इन्ना कहना चाहना मुख्यमंत्री जी, जे तुसी नहीं घटाओगे पंजाबियों का गुस्सा इन्ना है थोड़े खिलाफ, थोड़े कोले कुछ चारा नहीं रहूगा, मजबूरी करना होगा। पिछले 5-7 दिन 37 साल पहले 1984 विच गांधी परिवार के हुक्म से हजारा अपने सिख भैन भरावां का कतल किया गया। उन्होंने इंसाफ देने की बजाय गांधी परिवार ने दोषियों बचा के रखिया। श्रोमणी अकाली दल ने लगातार लड़ाई लड़ी इंसाफ की। सज्जन कुमार नूं असीं अंदर करा चुके हैं, पर अब दुख चलदा आ कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी जिन्हां ने कतल किया, जिन्हां ने अगे ला के राजीव गांधी के हुक्म से टाइटलर वर्गियां नूं अंदर कराउण की बजाय गांधी परिवार नूं सम्मानित कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार मर्दाबाद, सुखां दे कातलां दी पुश्त पनाही बंद करो। मैं सिद्धू साहब जो कांग्रेस दे प्रधान है कहते मैं दफ्तर तां जाऊंगा जे डीजी नूं बदलोगे एजी नूं बदलोगे। सिद्धू साहब जे थोड़े हिम्मत है, डीजी तां एजी तां मामूली गल है, जे हिम्मत है ते कहो मैं पंजाब कांग्रेस का प्रधान दाम कुर्सी संभालूंगा। जे टाइटलर नू कांग्रेस वर्किंग कमेटी तो कढ़ा के टाइटलर नू पार्टी में बाहर कढ़ांगे। जगदीश टाइटलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्टैंड लो, जे हिम्मत है, जे हिम्मत है थोड़े ते कहो गांधी परिवार नू इनू कढ़न। जे हिम्मत है सिद्धू साहब ते चन्नी साहब रेजोल्यूशन पास करो पंजाब दी असेंबली विच कि पंजाब दी जनता दी आवाज है कि गांधी परिवार ते टाइटलर वर्गे दे खिलाफ परचा दिता जाए 84 दा। सोनिया रेजोल्यूशन पास करो, पर मैनू पता है थोनू कुर्सी प्यारी है, लड़ाई असली मुख्यमंत्री दी है, लड़ाई पंजाब दी नहीं, कौम दी नहीं। चन्नी साहब ते खास करके मैं नवजोत सिंह नूं कहना चाहना है, थोनू चुनना पैना है। एक पासे पंजाब है, एक पासे सिख कौम है,
दूजे पासे गांधी परिवार है जिन्हें कतलेआम कीता टाइटलर है। देखते हैं किदे नाल तुसीं खड़दे हो। जे थोड़ी जमीन है, जे थोड़ी हिम्मत है, जे गैरत है तो स्टैंड लो पंजाबियों दे नाल। जे नहीं लेंदे इहदा मतलब तुसीं पंथ दे पंजाब दे लोकां दे गद्दार हो। इस करके अज मैं चंडीगढ़ पुलिस को मैं बड़ा दुख है, चंडीगढ़ पुलिस ने बड़ा धक्का किया। लाठी चार्ज करके श्रोमणी अकाली दल के बहादुर सूरमियां नूं ते उत्ते हमला किया, कई साढ़े वीर जख्मी हुए है। मैं स्ट्रोंगली कंडेम करता है रोल चंडीगढ़ पुलिस का। बांह भी टूट गई है, कई नौजवानों के सिर फड़ गए हैं। मैं उन्होंने कहना चाहना है, प्रोटेस्ट करना हर इंसान का हक है, अपना डेमोक्रेटिक राइट है। जिन्हें कुचलना चाहती है कांग्रेस की सरकार। चन्नी साहब जे थोड़े को हिम्मत सी ते बाहर आके गल कर दे, पर थोड़े को हिम्मत नहीं है। कोई गल नहीं, दो महीने रह गए, जिन्हें राम ना पैना पैना आ सोफिया च थले डेढ़ महीने का काम रह गया। उसके बाद पंजाब की जनता इस कांग्रेस पार्टी नू इस कोठिया चो कड़ीस के बाहर कटूगी। मैं सारे वर्कर का धन्यवाद करता, तुसी बड़े हिम्मत न आए, सारे बैरिकेड तोड़ के तुसी आए ते मैं इना कहना चाहना, जे इन्होंने डीजल ते पेट्रोल ना कटाया अगला प्रोग्राम अकाली दल देगा, तेनू मंजूर कराएगा।